अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए क्रीम ब्लॉक और बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी लड़कों के लिए, तो यहाँ से लेने के लिए आए हैं। लड़कों की चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ट्राउजर्स लेने थे इनके लिए। अभी जो है हम लोग आए हुए हैं ये क्रीम ब्लॉक मार्केट में, और ये जो लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, और यहाँ पे इस तरह लोकल पैंट्स ट्राउजर्स और टी शर्ट्स स्वेट शर्ट्स सब कुछ सब कुछ ही बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाता है यहाँ पे। तो हमें कुछ लेनी थी चीज़ें, तो हम वो लेने के लिए आए हैं। और अभी जो है मेरे साथ है जो मुझे मुसलसल तंग किए जा रही है। नो हमारा यहाँ पे सेकंड डे है लाहौर में, और अभी जो है मेरे साथ मिल रही है आज बहुत तंग कर रही है मुझे, इसने बहुत तंग किया है। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी आती है, इसको मैंने फ्लू की दवाई पिला दी है, तो उसके बाद से ये बस मुझे तंग किए जा रही है क्योंकि उसे नींद आई जा रही है। किसका है, किसकी साइज में है, छोटा है ये? नहीं नहीं किसी को तो नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह की मैं इसका देख लें, ब्रश के लिए देख लें। नहीं है, अरे इतने लाइट कलर्स नहीं, मोटे डार्क कलर्स देखिएगा ब्रश के लिए। ब्रश कौन सा कलर लेना है आप बताओ? हाँ डार्क कलर देख लें, प्यारा है। अभी ये व्हाइट कितना प्यारा लग रहा है, ये भी पेंट अच्छा है। पिंक कह रही है, वो पिंक कह रही है, पर्पल पिंक। हाँ छोटा है ये भी इसके लिए ना, थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसके लिए, अब ब्रश के लिए ना मुझे लेना। वो देखो वो निकाल रहे हैं आपके लिए। एक मिनट, अभी छोटी शर्ट्स देखी कैसी हैं, कितनी प्यारी शर्ट्स है ना। इसमें इसमें सबसे बड़ा साइज दिखाते हैं, इनमें सबसे बड़ा साइज दिखाते हैं। सबसे बड़ा ये है बच्चों में, बस यही है। ठीक है, मामा चलेंगे, मामा थक चुकी हैं। से कम करिए, अभी हमने अभी तो लेके आए हैं। आज रश की शॉपिंग हो गई है, खुल की शॉपिंग की है। हमें देखे हैं ट्राउजर्स, मैं जो गाड़ी में आके बैठी हूँ क्योंकि मैं टू मच थक गई हूँ, और अवरिश मेरे साथ साथ है, और उसकी तो ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसे फ्लू की दवाई पिलाई हुई थी, और वो कुछ ऐसी दवाई है कि उसे नींद उसे इस कदर आ रही है कि वो कह रही है बस मैं गोदों में बैठ फिरूँ और सोती रहूँ। तो खैर अभी थोड़ी सी फ्रेश हो गई है, हाँ खेलने में लग गई है, तो वरना मैं ऐसे गोद में लेके फिर रही थी, और मैंने बहुत मुश्किल से शॉपिंग की है। तो खैर मैंने कुछ लिए हैं, बच्चों के ट्राउजर्स लिए हैं। यहाँ पर शर्ट्स की जो प्राइसेस हैं, मैं ऐसा क्या कहते हैं, वो भूल ही गई हूँ एक तो नाम ही सबके, स्वेट शर्ट्स जो होती हैं बच्चियों की बच्चों की, वो बहुत अच्छी मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी प्राइसेस में मिल रही हैं। इस्लामाबाद में लास्ट ईयर जब मैंने शॉपिंग की थी सर्दियों में अपने बच्चों के लिए, तो मुझे वो शर्ट्स मिल रही थी वहाँ पे 800-850 से स्टार्ट था, तो यहाँ पे जो वो शर्ट्स हैं 350-400 और मैक्सिमम 500 में वो मुझे मिल रही हैं स्वेट शर्ट्स बड़े साइजेस में बच्चों की। तो छोटी जो है वो 350 में, स्वेट ट्राउजर्स जो थे मोटे ट्राउजर्स होते हैं वो मुझे 350-350 की रेंज में मिले, और अब्रिश की एज के लिए मुझे वो 200 से लेके 250 की रेंज में मिले हैं। तो बहुत ही अच्छी प्राइस रेट मिल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है, चलना पड़ता है तो फिर मिलती हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है अगर एक टेबल पे 450 की, तो चांस है कि आपको नेक्स्ट टेबल या उससे नेक्स्ट टेबल पे या उससे नेक्स्ट शॉप पे वही चीज़ मुझे मिल जाएगी 250 में, 200 में, 300-350 में। और कुछ लोग तो बताते हैं और फिक्स रेट रखते हैं प्राइस का वही, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्राइस का रेट कम कर देते हैं, बताते कुछ हैं लेकिन कम कर देते हैं बाद में बार्गेनिंग करने के बाद, और कुछ लोग हैं जो रेट ही बहुत इतना अच्छा बनाते हैं, बताते हैं कि उसको कम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई हैं, तो सब आ गए और हम लोग जो है बस अब गाड़ी में बैठेंगे तो भी अब घर जाएंगे, और अब कुछ नहीं करना, कोई शॉपिंग नहीं करनी, बस अब घर जाना सीधा। एक्सपो सेंटर लाहौर, और अभी जो है मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन करवाने अपनी, क्योंकि मेरी जो है ना वैक्सीनेशन की ना सेकंड डोज नहीं हुई थी अभी तक, लेट हो गई,
जाएंगे तब मौका नहीं मिल रहा था, और अभी लाहौर आए हुए तो लाहौर में कुछ जगहों पे ना वैक्सीनेशन का पूछा जा रहा है, तो दो वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ अपनी सेकेंड डोज लेने के लिए। जी तो मैं अभी आई हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, और मेरी सेकेंड डोज जो थी वो डिले हो जा रही थी, तो मैंने सोचा कि लगवा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी था, बहुत सारी जगहों पे पूछा जा रहा था वैक्सीनेशन के बारे में। तो खैर अभी यहाँ पे आई हूँ एक्सपो सेंटर, बहुत बड़ा ये यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। यहाँ पे पहले फ़ीवर चेक किया जा रहा था, तो इन्होंने भी मेरा भी फ़ीवर चेक किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कहाँ से वैक्सीनेशन लगनी है। कहाँ से लेनी वैक्सीनेशन? सिनोफार्म आप लगानी है? ऐसे से लगाऊंगी। इंजेक्शन लगाने से मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और अभी मेरे साथ कोई था भी नहीं है, बच्चा भी कोई साथ ही था और आसिम भी साथ ही थे, खैर लेकिन मैंने हिम्मत करके लगवा ली, बड़ी ज़ोर से लगाई थी उन्होंने। तो खैर बस यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ घर जाने के लिए, और हमने शॉपिंग कर भी बहुत ज़्यादा कर ली थी और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी मुझे घर जाना था। अमरीश को मैं गाड़ी में छोड़ के आई थी, तो वो भी तंग कर रही थी सबको ना। तो बस आज का ब्लॉग करती हूँ फिर यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।